हेलो एवरीबॉडी, दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। चलिए दोस्तों, एसएससी जीडी रेलवे ग्रुप डी यूपीएसआई एसएससी जो एमटीएस है, फिर दोस्तों एनटीपीसी और जो एसएससी की ऑल एग्जाम है, इन सभी की तैयारी आज और पटवारी को लेकर जो दोस्तों रीजनिंग का जो आज मैं क्लास लेके आया हूँ। तो दोस्तों आज यहाँ पर रफ्तार रीजनिंग में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैथ एंड रीजनिंग के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक और कुछ क्वेश्चन पर हम आज इस वीडियो में चर्चा करने जा रहे हैं, जो दोस्तों इन एग्जामों में बार बार ये प्रश्न पूछे जा रहे हैं। यानी कि दोस्तों एकदम बेसिक ट्रिक से इन दोस्तों रीजनिंग के क्वेश्चन को मैं हल कराऊँगा। सिर्फ दो मिनट में हल करा, दो सेकेंड में मैं दोस्तों हल कराऊँगा मैथ गणित को, यानी कि दोस्तों एस एस सी की सी जी एल जी डी ऑल दोस्तों सीएचएल जो भी है एसएससी की एमटीएस उन सभी की दोस्तों जो रीजनिंग में महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उन पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम गवाए वीडियो को करते हैं शुरू और महत्वपूर्ण टॉपिक पर करते हैं चर्चा। तो दोस्तों एसएससी जीडी और बाकी सब जो बंटवारी की एग्जाम है उन सभी में जो इस पर लाइक के प्रश्न पूछे जाते हैं, और ये प्रश्न भी दोस्तों दो तीन बार पूछा जा चुका है। और चलिए फर्स्ट प्रश्न पर हम चर्चा कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिएगा और वीडियो को शेयर कर लें फटाफट दोस्तों के साथ। चलिए दोस्तों फर्स्ट प्रश्न है, 30 छात्रों के एक कतार में दोस्तों अंजू का क्रम प्रारंभ से दोस्तों 13वां स्थान है, तो बताइए अंत में से उसका दोस्तों क्रम क्या होगा। यानी कि दोस्तों कुल छात्र कितने हैं, 30 छात्र हैं, 13 दोस्तों 30 छात्र हैं, उसमें अंजू दोस्तों आगे से तो है 13वें स्थान पर, तो दोस्तों पीछे से कौन सा स्थान होगा ये दोस्तों आपको बताना है 30 छात्रों के अंदर। तो बहुत सरल सा दोस्तों जो क्वेश्चन है, तो दोस्तों देख लेते हैं 30वां छात्रों में दोस्तों 13वां स्थान किसका है। दोस्तों अंजू से में 13वां स्थान, तो अंजू से आगे दोस्तों कितने लड़के हैं, यानी कि अंजू के हटा देंगे यानी कि 13-1 यानी अंजू से आगे कितने लड़के हैं दोस्तों, 12 लड़के हैं। कितने हैं, 12 लड़के हैं। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, 30 में से 12 को घटा देंगे, 30 में से 12 को घटा देंगे तो हमारा जो आंसर आएगा 18, यानी कि दोस्तों बी ऑप्शन सही है। यानी कि ध्यान रख लेना दोस्तों कि 30 छात्र की एक कतार है, ठीक है, अंजू का क्रम दोस्तों प्रारंभ से 13वां स्थान है, तो दोस्तों अंजू को हम छोड़ देंगे, अंजू से पहले कितने छात्र हैं, 12 छात्र हैं, तो 30 में से 12 छात्रों को हम हटा देंगे, जो दोस्तों उत्तर आएगा वही इस ऐसे प्रश्नों का उत्तर होगा। किसी भी प्रकार का टाइप का प्रश्न पूछा जा सकता है दोस्तों, तो इसको हल इस प्रकार करना है, अंजू स्वयं का पूछा है, स्वयं का अगर दोस्तों पूछ ले कि स्वयं उसमें शामिल है तो दोस्तों उसमें से एक को घटाना है और फिर दोस्तों जो आंसर आता है 13 में से, या दोस्तों कुछ भी हो सकता है 10 भी हो सकता है, तो इसमें से एक घटाएंगे पीछे 9 होगा, 30-9 कर देना। इस प्रकार दोस्तों एक तो अंजू स्वयं होगा उसे हटाना, स्वयं को हटाना होगा, फिर दोस्तों जो कुल छात्र है उसमें से हटाएंगे तो आपका उत्तर जो आंसर है जो आपके सामने सोल्व हो जाएगा। तो दोस्तों चलिए इस प्रकार का प्रश्न आएगा तो आप छोड़ेंगे नहीं, ध्यान रख लेना, आप समझ चुके होंगे। चलिए दूसरा प्रश्न पर चर्चा कर लेते हैं। दूसरा प्रश्न है, एक रैली में दोस्तों विजय विपिन से पीछे हैं परंतु सुकुमार से दोस्तों क्या है आगे, ध्यान रख लेना। विपिन दोस्तों रवि के पीछे हैं परंतु विजय के आगे हैं और दोस्तों नारायण के बीच में हैं, तो इन सबसे आगे दोस्तों कौन होगा, ध्यान रख लेना दोस्तों। यहां पर देखिए विजय है ना दोस्तों, विपिन से पीछे है तो आगे कौन हो गया दोस्तों, विपिन आगे हैं और विजय दोस्तों है पीछे, ठीक है। अब दोस्तों इसमें यह कहा है कि, तो दोस्तों रवि है ना, रवि विपिन से पीछे, विपिन दोस्तों रवि से पीछे है तो विपिन से आगे कौन होगा, रवि होगा, ध्यान रख लेना।
अब दोस्तों देख लेना कि यहाँ पर देखिए इसने ये कहा है कि परंतु सुकुमार से आगे है, यानी कि दोस्तों यहाँ पर नारायण, नारायण कहाँ है, बीच में विजय के बाद में है दोस्तों नारायण, नारायण के बाद में दोस्तों है सुकुमार, और सुकुमार दोस्तों यहाँ पर है इसके बाद में होगा कौन होगा विजय। सुकुमार से पीछे कोई नहीं होगा, तो दोस्त देखिएगा यहाँ पर विपिन विजय इन सबसे आगे कौन है, रवि है, रवि, यानी कि यहाँ पर देखिए बताएं कि विपिन रवि से पीछे है, यानी कि रवि सबसे आगे है, तो इसमें दोस्तों देखिएगा डी ऑप्शन सही होगा। समझ गए होंगे, नहीं समझे तो देखिए एक बार, विजय है दोस्तों विपिन से पीछे, यानी कि विपिन सबसे आगे है उसके पीछे विजय है। अब देखिए दोस्तों परंतु सुकुमार से आगे हैं, और दोस्तों इसके पीछे सुकुमार होगा कि सुकुमार से विजय आगे, तो पहले नंबर पर ये है, दूसरे नंबर पर ये है, तीसरे नंबर पर ये है, और विपिन रवि से पीछे हैं, विपिन दोस्तों रवि से पीछे हैं, तो अब रवि एक नंबर हो जाएगा, दो नंबर विपिन हो जाएगा, तीन नंबर विजय होगा, चार सुकुमार और पाँच नंबर नारायण हो जाएगा। इसका मतलब दोस्तों रवि है ना वो सबसे आगे, इसमें सही आंसर डी होगा। चलिए तीसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न दोस्तों है एक महिला की ओर संकेत करते हुए साइमन ने कहा वो मेरे पिता की एकमात्र बहन की पुत्री है, तो उस महिला और साइमन से किस प्रकार का संबंध होगा। दोस्तों बहुत सामान्य सा सवाल पूछा है, ठीक है ना, तो यानी कि यहां पर देख लेते हैं साइमन, साइमन ने दोस्तों क्या किया, साइमन ने एक औरत की ओर इशारा करते हुए कहा वो मेरे पापा, दोस्तों ये है इनके पापा, इनके पापा की एकमात्र बहन है, ये है दोस्तों बहन, ठीक है, तो वो महिला साइमन के किस तरफ दोस्तों इशारा करती है, दोस्तों पापा की बहन है जो साइमन के क्या होगी, ये है दोस्तों, तो ये होगी दोस्तों फुफेरी बहन, क्या होगी फुफेरी बहन, चाचा की बहन इस प्रकार, तो दोस्तों वो होगी फुफेरी बहन, इसमें बी ऑप्शन सही है। समझ गए होंगे ना, एक महिला की ओर इशारा किया था साइमन, ये साइमन वो है दोस्तों यहाँ पर महिला, वो दोस्तों इसके पापा हैं, साइमन के पापा, पापा की दोस्तों हैं बहन, तो ये होगी बहन, अब दोस्तों पापा की बहन साइमन की क्या होगी फुफेरी बहन होगी। चलिए दोस्तों चौथा प्रश्न यहाँ पर है, सी ए की माता है, सी कौन है दोस्तों ए की माता है, ठीक है, बी बी की, यदि डी पति है बी का तो दोस्तों सी कौन हो, कौन है डी की, यानी कि सी का संबंध जो माता है इसका संबंध इस डी यानी पति से क्या होगा, ये हमें बताना है। तो दोस्तों ये सरल सा सवाल है, बहुत सामान्य सा सवाल है, यानी कि इसमें दोस्तों ये है सी, ये है माता, माता की दोस्तों ध्यान रख लेना ये है दोस्तों इसका बेटा, अब दोस्तों बेटी या बेटा है या बेटी, तो दो बेटी का ये है दोस्तों पति, अब दोस्तों डी और सी का संबंध क्या होगा, बस इतना सा बताना है, यानी कि इसकी दोस्तों ये है माँ, इसकी है ये पति, यानी कि पति और पत्नी की माँ का संबंध क्या होगा सास, क्या होगा सास, यानी कि डी ऑप्शन सही है। बहुत सामान्य सा सवाल है, दिमाग ज्यादा घुमाने की जरूरत यहां पर नहीं है, यानी कि यहां पर दोस्तों है उसकी माता, यहां है उसकी बेटी, और यहां है इसका पति, और पति और माता का संबंध क्या होगा सास के रूप में, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न है, ए की बी बहन है, ए की दोस्तों क्या है, बी है बहन, ठीक है, सी की बेटी है, सी डी की बेटी है, बी की बहन है और ई की, तो सी और ई से क्या संबंध होगा, सी और ई का संबंध क्या होगा ये हमें बताना है। तो दोस्तों ए है ना यहाँ पर, सी देखिए सबसे पहले सी को रखेंगे, यानी कि ए की दोस्तों क्या है माँ, कौन है दोस्तों, ए की मां है बी, ए की मां बी की बहन है, तो दोस्तों इस प्रकार होगा कि सी है ना वो दोस्तों क्या होगी, सी की मां कौन होगी दोस्तों ए होगा, ए है ना वो सी की होगी मां, ध्यान रख लेना दोस्तों, और ए की मां कौन है दोस्तों बी, ये होगी मां।
अब दोस्तों ध्यान रख लेना, बी की बहन दोस्तों कौन है, बी की बहन है ई। और इस ई और सी का संबंध क्या होगा, यानी कि दोस्तों किसी लड़की के माँ की माँ क्या कहलाएगी दोस्तों, नानी। क्या कहलाएगी, नानी, या दोस्तों बाप हो सकता है वो नाना। तो इसमें नानी और नाना ऑप्शन है, तो इसमें नानी सही है, यानी कि इसमें बी ऑप्शन होगा। यानी कि ध्यान रख लेना दोस्तों कि इसमें ऐसा कहा गया कि एक वो ये बेटी है, इसकी जो ये माँ है, और माँ की दोस्तों माँ इस लड़की से क्या संबंध होगा, इसका संबंध दोस्तों नानी होगा। ठीक है, अब देखिए पांचवा प्रश्न है यहाँ पर, रमेश और सुरेश भाई भाई है। रमेश और सुरेश दोस्तों क्या है, भाई भाई है। राखी और गीता आपस में बहन है, रमेश का लड़का गीता का भाई है। बताइए सुरेश और राखी के बीच में क्या संबंध होगा, हमें यह बताना है दोस्तों कि सुरेश और राखी का क्या संबंध होगा। तो बहुत सामान्य सा सवाल है दोस्तों, पहले देखिएगा, यहां पर मैं रखता हूं रमेश को। तो दोस्तों यहाँ पर दोस्तों इस प्रकार बताया गया है कि रमेश और सुरेश दोस्तों क्या है, भाई, ये हैं दोस्तों भाई सुरेश। रमेश और सुरेश तो भाई हैं, ठीक है। अब रमेश का लड़का, ये है रमेश का लड़का, ठीक है, रमेश का लड़का, रमेश का लड़का है जो दोस्तों गीता का भाई है, गीता है ना, गीता का दोस्तों भाई है। और दोस्तों यहाँ पर गीता और राखी, ये है दोस्तों राखी और ये है गीता, ये दोस्तों हैं दोनों बहन, और ये दोस्तों गीता और रमेश के लड़के दोस्तों दोनों हैं भाई, भाई बहन है, ठीक है। तो दोस्तों इसमें राखी और सुरेश का क्या संबंध होगा, राखी यानी कि ये दोस्तों इसकी बेटा मान लो, राखी भी दोस्तों रमेश की बेटी है, ये तो सिद्ध हो गया। तो दोस्तों यानी कि रमेश का ये भाई है तो क्या होगा, चाचा, चाचा होगा। तो रमेश का भाई है वो दोस्तों रमेश के बेटों के क्या होगा, चाचा होगा। इसमें बी ऑप्शन सही है, यानी कि इसमें दोस्तों सासा होगा। चलिए अगला प्रश्न है सातवां, के बी से ज्यादा सुंदर है, के दोस्तों बी से ज्यादा सुंदर है, ठीक है, बी और वाई के समान है, बी और दोस्तों वाई के तो समान है, जे भी वाई के समान सुंदर नहीं है, यानी कि दोस्तों जे है वो बी और वाई के समान सुंदर नहीं है, जे दोस्तों उससे कम सुंदर है। तो दोस्तों सुंदर का की कोटि में सबसे निचले स्तर पर कौन होगा, सबसे दोस्तों के दोस्तों बी से ज्यादा सुंदर है, बी से सबसे ज्यादा सुंदर कौन है, के है, के से दोस्तों घटिया है बी, और बी के दोस्तों वाई समान सुंदर नहीं है, उससे दोस्तों घटिया है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों बी की बात की जा रही है, जे घटिया है और बी और वाई के वाई बी या वाई दोस्तों समान सुंदर तो है ये नहीं, पर वाई के बाद बी का स्थान रखता है, फिर यानी कि जे में दोस्तों कोमा करके लगाए, यानी कि इसकी सुंदरता की घटता क्रम है, यानी कि जे, इसमें दोस्तों बी ऑप्शन सही होगा, यानी कि सुंदर की सबसे घटिया सुंदरता दोस्तों जे की है, ठीक है। तो इसमें दोस्तों बी ऑप्शन सही होगा, यानी कि सबसे घटिया सुंदरता बी की है। चलिए अगला प्रश्न है, पी की आयु क्यों के समबराबर है, आर एस से छोटा है, टी आर से छोटा है, किंतु पी से बड़ा है, सबसे बड़ा दोस्तों कौन है। ध्यान रख लेना मित्रों, यहां पर एक सबसे सरल सा सवाल बताया गया है, पी और क्यों की बात कर लेते हैं, पी और पी के बराबर दोस्तों है क्यों, ये तो दोस्तों दोनों बराबर हैं, ठीक है। अब देखिएगा दोस्तों यानी कि इसमें पूछा है कि सबसे बड़ा कौन होगा, सबसे बड़ा, तो दोस्तों पी यहां पर देखिए आर और एस से छोटा है, आर दोस्तों एस से छोटा है, ये है आर, इससे तो दोस्तों एस है वो छोटा है। अब देखिए दोस्तों टी है वो आर से छोटा है, टी है ना, टी वो आर से छोटा है, ये तो स्पष्ट हो गया।
अब देखिए दोस्तों, किंतु पी से बड़ा है, पी से तो ये दोस्तों टी बड़ा है और टी से छोटा आर है, आर से दोस्तों बड़ा कौन है, एस है, यानी कि सबसे बड़ा व्यक्ति दोस्तों कौन होगा, इसमें सी ऑप्शन सही है, एस। यानी कि दोस्तों इसमें दोस्तों पी की आयु क्यों के बराबर है, आर एस से छोटा है, किंतु किंतु दोस्तों ये ध्यान रख लेना, टी आर से छोटा है किंतु पी से बड़ा है, आर से दोस्तों बड़ा कौन है, एस है, इसलिए सबसे बड़ा इसमें आयु में एस होगा। चलिए अगला प्रश्न है, एक कक्षा में सफल हुए लड़कों की सूची में राजन का 11वां स्थान है, सबसे नीचे की और 31वां स्थान पर है, इस लड़के ने परीक्षा नहीं दी तो दोस्तों इसमें एक फेल हो गया, कक्षा में कुल कितने छात्र थे, यानी कि दोस्तों इस कक्षा में कुल कितने छात्र थे, तो इसमें दोस्तों सबसे स्पष्ट की बात हो रही है। इसमें दोस्तों सबसे पहले देखिएगा 11वें स्थान पर राजन है, तो राजन से पहले 11 माइनस 1 हो जाएगा, राजन को छोड़ देते हैं, राजन से नीचे दोस्तों, नीचे से राजन का स्थान 31वां है, यानी कि राजन से नीचे 30 बच्चे हैं और राजन से ऊपर दोस्तों 10 बच्चे हैं, यानी कि हम 11 ले गए तो 31 में से 1 घटाना पड़ेगा, या 11 ले गए तो दोस्तों यानी कि इसमें से 31 लेंगे तो 11 में से 1 घटाना होगा, अब 11 में से हम 1 घटा देंगे प्लस 31 कर लेंगे, प्लस दोस्तों 1 विद्यार्थी फेल हो गया, प्लस 2 विद्यार्थी ने, सॉरी 3 लड़कों ने एग्जाम नहीं दिया, प्लस 3 कर देंगे। अब दोस्तों क्या होगा, यहां पर देखिएगा 11 में से 1 गए, पीछे रहा 10, 10 प्लस 31 होते हैं 41, 41 प्लस 3 प्लस 4 इन 4, 41 प्लस 4 होते हैं 45, यानी कि इसमें दोस्तों 41 प्लस 4 यानी कि इसमें होता है 45, डी ऑप्शन सही होगा। यानी कि कक्षा में सफल हुए लड़कों की सूची में राजन का स्थान 11वां था, पर राजन से पहले 10 लड़के हैं, नीचे की ओर से स्थान दोस्तों 31वां है, यानी कि राजन से नीचे 30 बच्चे हैं और दोस्तों इसमें से 3 लड़कों ने एग्जाम नहीं दिया और दोस्तों 1 लड़का फेल हो गया, राजन को छोड़ देते हैं, 11 यानी इससे पहले 10 बच्चे प्लस इसमें 31वें स्थान, इससे पहले 30 बच्चे प्लस 3 और प्लस 1, यानी कि ये हो गए दोस्तों 40 प्लस 4 प्लस 1 राजन, 40 प्लस 44 कुल होते हैं 45 बच्चे, यानी कि इस प्रकार भी आप योग करें तो इसमें भी दोस्तों आएगा 45 बच्चे, यानी कि दोस्तों कुल बच्चे 45 थे। अब देखिए एक परीक्षा में ए बी सी तथा डी को अलग अलग अंक प्राप्त हुए हैं, बी ने दोस्तों सी और डी से अधिक अंक प्राप्त किए हैं, ए में कम अंक किसी ने भी प्राप्त नहीं किए, इसमें से कितने दोस्तों अधिकतम अंक प्राप्त किए हैं, सबसे अधिकतम अंक दोस्तों किस बच्चे ने प्राप्त किए हैं, यानी कि दोस्तों इसमें देखिएगा यहाँ पर ए बी सी तथा डी है, बी ने सी से दोस्तों बी ने सी और डी से अधिक अंक है, यानी कि सबसे अंक दोस्तों बी के अधिक है, बी से कम है सी, सी के कम है डी, ठीक है। अब इसमें से सबसे अधिकतम अंक किसके हैं, यानी कि डी और ए का अंक दोस्तों डी यानी कि अंक प्राप्त किया है, ए में से कम अंक किसी ने भी प्राप्त नहीं किया, ए से दोस्तों कम किसी ने, सबसे घटिया अंक ए के हैं, इसमें दोस्तों सबसे अंक अधिक अंक बी ने प्राप्त किए थे, यानी कि इसमें ए ऑप्शन सही होगा, यानी कि दोस्तों बी जो है इसने सबसे अधिक अंक प्राप्त किया, नहीं समझे, देखिएगा बी यहाँ पर बी ने सी और डी से अधिक अंक, सबसे अधिक अंक किसके हैं, बी के हैं, बी से घटिया सी और डी, ठीक है। अब दोस्तों ए से कम किसी ने अंक प्राप्त नहीं किए, यानी कि सबसे कम अंक किसका है, ए का है, तो दोस्तों सबसे अधिक अंक किसका होगा, बी का, यानी कि इसमें ए ऑप्शन सही है, इसमें सबसे कम अंक बी के हैं। चलिए 11वां प्रश्न है, राकेश नितिन से लंबा है, राकेश है ना दोस्तों नितिन से लंबा है किंतु भरत जितना लंबा नहीं है, भरत जितना दोस्तों लंबा है उतना नहीं है। अब दोस्तों राकेश लोकेश दोस्तों राकेश से छोटा है, लोकेश है ना वो दोस्तों राकेश से छोटा है किंतु गौरव से लंबा है, इसमें से सबसे लंबा दोस्तों कौन है ये आपको ज्ञात करना है। तो दोस्तों देखिए राकेश है ना वो दोस्तों नितिन से लंबा है, यानी कि नितिन से दोस्तों राकेश से नितिन दोस्तों छोटा है, ठीक है। राकेश है ना वो दोस्तों सबसे लंबा है, उससे छोटा है नितिन, किंतु दोस्तों भरत
भरत जितना लंबा नहीं है, यानी इससे छोटा है दोस्तों भरत। अब देखिएगा दोस्तों, लोकेश है ना वो राकेश से छोटा है, राकेश से यहाँ पर दोस्तों लोकेश तो छोटा है किंतु गौरव सबसे बड़ा है, ध्यान रख लेना दोस्तों। गौरव है ना वो दोस्तों इससे बड़ा है गौरव। अब देखिए दोस्तों, गौरव किंतु गौरव लंबा है, इसमें से सबसे लंबा कौन होगा, यानी कि दोस्तों ध्यान रख लेना किंतु भरत इतना लंबा नहीं है, इसमें सबसे लंबा, यानी कि नितिन जितना तो दोस्तों भरत लंबा नहीं है पर राकेश से भरत सबसे लंबा है। नहीं समझ में आया, देखिएगा इसमें ये कहा गया है कि राकेश से लंबा दोस्तों, राकेश नितिन से लंबा है, यानी कि नितिन से लंबा है किंतु भरत जितना लंबा नहीं है, यानी कि भरत के जमान तो इतना लंबा ये नहीं है, इससे तो भरत से दोनों छोटे हैं, यानी कि भरत सबसे बड़ा हो गया। अब देखिए यानी कि यहाँ पर लोकेश और राकेश से छोटा है, लोकेश है ना वो दोस्तों राकेश से छोटा है परंतु दोस्तों गौरव से बड़ा है, गौरव से दोस्तों ये बड़ा है, यानी कि गौरव इनसे बड़ा है पर दोस्तों सबसे बड़ा कौन है, भरत है। इसमें दोस्तों भरत सही होगा, भरत ऑप्शन सी सही है, यानी कि सबसे बड़ा दोस्तों भरत। अगला प्रश्न दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो के लिंक को दोस्तों के साथ फटाफट शेयर कर दीजिएगा, शेयर करते रहिए। चलिए अगला प्रश्न है, एक कक्षा में शंकर ऊपर से 16वें स्थान पर, नीचे से गुण 50वें स्थान पर है, कक्षा में कुल कितने छात्र हैं। ध्यान रख लेना दोस्तों, ये दोस्तों वही विधि है, इसमें दोस्तों कमी कुछ भी नहीं है, यानी कि ध्यान रख लेना इसमें कुल कितने छात्र से, शंकर ऊपर से 16वें, नीचे से गुण 50वें स्थान पर, यानी कि 16वें स्थान पर प्लस दोस्तों गुण 25 स्थान पर, राकेश दोनों में आ गया, माइनस एक करना है आपको, यानी कि 16 प्लस 48 कितने होते हैं दोस्तों, 64, यानी कि दोस्तों ए ऑप्शन सही है, यानी कि 16 प्लस 48 यानी कि होते हैं 64। अब आगे देखिए अगला प्रश्न, सोनू की आयु रीसा की आयु से अधिक है परंतु अनु से कम है, सौरभ की आयु सोनू से अधिक है परंतु राम से कम है, इनमें से सबसे छोटा दोस्तों कौन है ये आपको बताना है। यानी कि दोस्तों सोनू की आयु रीसा की आयु से छोटी है, यानी कि दोस्तों रीसा की आयु दोस्तों सोनू की आयु से छोटी है, यानी कि सोनू सबसे बड़ा, सोनू से छोटी दोस्तों आयु किसकी है, रीसा, परंतु अनु से कम है और अनु से दोस्तों रीसा की आयु कम है इसलिए अनु भी इससे बड़ा हो गया। सौरभ की आयु सोनू से अधिक है और दोस्तों सोनू से अधिक सबसे अधिक आयु किसकी होगी, सौरभ की होगी, तो दोस्तों सबसे छोटा कौन है, रीचा होगी। यानी कि दोस्तों यहाँ पर देखिए सोनू की आयु रीसा की आयु से अधिक है, यानी कि यहाँ पर ध्यान रख लेना सोनू की आयु सबसे अधिक, उससे कम आयु है रीसा की और दोस्तों अनु कम है, परंतु अनु दोस्तों है ना वो दोस्तों सोनू से कम है, सोनू से अनु दोस्तों कम है पर रीसा से अधिक है। सौरभ की आयु दोस्तों सोनू से अधिक है और सौरभ की आयु इस सोनू से भी अधिक है, सौरभ दोस्तों इससे आगे आ गया सोनू से। अब दोस्तों परंतु राम से कम है और राम की समय सबसे अधिक आयु राम की हो गई, यानी कि इसमें दोस्तों रीचा है ना उसकी सबसे आयु कम है, ए ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, राम मनु की अपेक्षा अधिक लंबा है, राम है ना दोस्तों वो दोस्तों अधिक लंबा है, मनु की अपेक्षा सबसे अधिक लंबा कौन है, राम है। अन्य दिलीप का भी अपेक्षा अधिक लंबा है परंतु मनु की अपेक्षा छोटा है, सबसे अधिक लंबा दोस्तों कौन है, राम दोस्तों मनु की अपेक्षा अधिक लंबा है, राम दोस्तों मनु से सबसे लंबा राम हो गया, राम से छोटा है मनु। अब वो जितना रवि है दोस्तों, परंतु उतना नहीं कि जितना रवि है, रवि दोस्तों जो है वो मनु से बड़ा है रवि और दोस्तों राम और रवि की आयु तो बराबर होगी। अब देखिए इसके अनुसार दोस्तों दिलीप है ना, दिलीप की अपेक्षा अधिक लंबा है, दिलीप दोस्तों सबसे लंबा है पर दोस्तों दिलीप परंतु मनु की अपेक्षा सबसे छोटा है, यानी कि मनु से वो दोस्तों सबसे छोटा है,
सबसे लंबा दोस्तों कौन हो गया? इससे दोस्तों जो दिलीप है, जो दिलीप दोस्तों इससे तो छोटा है, पर दोस्तों इससे बड़ा कौन है? यानी कि रवि। इसमें दोस्तों रवि ऑप्शन सही होगा, सबसे लंबा रवि है, यानी कि सबसे, देखिए यहाँ पर राम दोस्तों, यहाँ पर है मनु, ठीक है। और इससे दोस्तों जितना नहीं कि इसे रवि सबसे बड़ा है, राम से भी दोस्तों रवि की आयु बड़ी है। दिलीप के अनुसार दोस्तों ये दोस्तों यहाँ पर सबसे अधिक है, पर दोस्तों रवि इसे दिलीप छोटा है, और मनु है जो इसे राम से तो बड़ा है पर दिलीप के समान है, यानी कि सबसे अधिक आयु दोस्तों किसकी होगी? रवि की, यानी कि इसमें सी ऑप्शन आएगा। चलिए अगला प्रश्न है, एक पंक्ति में रमन का प्रारंभ में 15वां स्थान, अंत में 11वां स्थान है, इस पंक्ति में कितने लड़के हैं? आपको ये बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे सरल सवाल है, यहाँ पर रमन का 15वां स्थान है, प्लस दोस्तों अंत से 11वां स्थान माइनस एक को हटा देंगे, तो दोस्तों 11 में से एक गए पीछे रहे 10, 10 प्लस 15 25, यानी कि इसमें दोस्तों ए ऑप्शन सही होगा। यानी कि दोस्तों आगे से 15वां स्थान है, यानी कि रवि को गिन लिया आगे से भी और पीछे से भी रवि को गिन लिया 15 के अंदर, तो रवि में दोस्तों दो लड़के को, रवि को दो बार गिन चुके, तो एक को माइनस करना पड़ेगा, यानी कि दोस्तों यहाँ पर 15 माइनस एक कर देंगे आप, प्लस 11 करेंगे तो भी 25 आएंगे, और आप इस प्रकार करेंगे कि 15 को ले लेंगे प्लस दोस्तों 11 में से घटाएंगे तो भी आपका आंसर 25 आएगा, इसमें ए ऑप्शन सही है। चलिए 16वां प्रश्न है, सोनिया अपने घर से चली 4 कैम पूर्व की दिशा में, तब वो दोस्तों बाएं घूम गई, और दोस्तों अब दोस्तों फिर दाएं घूम गई, और दोस्तों 4 किलोमीटर चली, अब प्रस्थान स्थान से कितने किलोमीटर दूरी है? घर से दोस्तों कितने किलोमीटर चली है ये आपको देखना है। तो दोस्तों यानी कि घर से चली है 4 केम, फिर दोस्तों इस दिशा में चली है 4 केम, और दोस्तों फिर दोस्तों चली है वापस इस तरफ 4 केम, यानी कि दोस्तों यहाँ पर 4 प्लस 4 प्लस 4, यानी कि 4 और 4 ये दूरी और ये दूरी, तो दोस्तों 4 प्लस 4 और ये दूरी दोस्तों वापस आई है, यानी कि 2 का हम वर्ग निकाल लेते हैं, आएगा 2, यानी कि 4 प्लस 4 प्लस 2 यानी कि होते हैं 10, यानी कि दोस्तों 10 किलोमीटर सोनिया घर से दूर है, यानी कि दोस्तों घर है यहाँ पर, घर से 4 केम चलिए, वापस 4 केम दोस्तों चलिए, और वापस दोस्तों इस तरफ 2 केम चली, तो यहाँ पर 2 केम तो दोस्तों चली और 2 केम वापस आई माना जाता है, तो 4 का दोस्तों होगा वर्ग 2, यानी कि 4 प्लस 4 प्लस 2 बराबर होगा 10, यानी कि इसमें ए ऑप्शन सही है। चलिए अगला प्रश्न है, शारदा की दक्षिण दिशा में चलना शुरू किया, 15 केमी चलने के बाद दोस्तों वो बाएं की तरफ घूम जाती हैं, और दोस्तों वो किस दिशा में घूम जाती हैं? बाएं दिशा में, और फिर दोस्तों दोनों 15 किलोमीटर चलती हैं, अब प्रस्थान घर से किस दूरी की किस दिशा में स्थित हैं ये आपको दोस्तों उसकी दिशाएं बतानी हैं। तो दोस्तों यानी कि शारदा दोस्तों दक्षिण दिशा में 15 केम चलती हैं, फिर दोस्तों बाएं की तरफ 15 मीटर चलती हैं, 15 मीटर दोस्तों बाएं तरफ, फिर दोस्तों और यहाँ पर ये होगी 15 मीटर, और दोस्तों 15 मीटर आगे चलती है, ये 15 मिनट तो दोस्तों गई, ये 15 मिनट आई, ये तो हो गई बराबर, और ये दोस्तों 15 मिनट ऊपर थी, यानी कि यहाँ पर दोस्तों सही आंसर होगा 15 मीटर, यानी कि इसमें बी ऑप्शन सही है, यानी कि शारदा कितने किलोमीटर चली है? 15 केएम। चलिए अगला प्रश्न है 18वां प्रश्न में दोस्तों, एक दिन शाम को सूर्यास्त से पहले दो मित्र दोस्तों रमन और अर्जुन आमने सामने बैठे बातचीत कर रहे थे, रमन की परछाई ठीक उसकी बाईं ओर पड़ रही थी, तो दोस्तों अर्जुन किस दिशा में बैठा था? रमन यहाँ पर बैठा है, रमन की दोस्तों इस बाईं दिशा में है दोस्तों, इस तरफ पड़ रहा था, यहाँ होगा सूरज, और दोस्तों अर्जुन बैठा था इस तरफ, ठीक है,
यहाँ इस तरफ बैठा था तो इस तरफ सूर्य था, यानी कि ये हो गया दोस्तों पश्चिम, ये हो गया पूर्व, ये हो गया दक्षिण, ये हो गया उत्तर, और दोस्तों इसका सेहरा इस तरफ यानी कि उत्तर दिशा में है, यानी कि इसमें डी ऑप्शन सही होगा। यानी कि एक दिन शाम के सूर्यास्त से पहले दो मित्र बैठे थे, रमन और अर्जुन, और इसमें दोस्तों अर्जुन का मुंह उत्तर दिशा में होगा। अगला प्रश्न देखिए, एक सुबह मीना ने सूर्य की ओर चलना आरंभ कर दिया, कुछ देर के बाद दोस्तों वो चलती रही और वो अपने दोस्तों बाईं ओर मुड़ी, और दोस्तों फिर वो चलकर बाईं ओर मुड़ी। अब दोस्तों वो किस दिशा के अंदर है? देखिए ये है मीना और ये है दोस्तों पूर्व, ये हो गया पश्चिम, ये हो गया उत्तर, और ये हो गया दोस्तों दक्षिण। अब दोस्तों इसने इस प्रकार कहा है कि मीना सूर्य की तरफ चलती है, फिर दोस्तों वो कुछ देर चलने के बाद बाईं तरफ मुड़ जाती है, फिर दोस्तों वो कुछ देर चलने के बाद बाईं तरफ मुड़ती हैं और वापस बाईं तरफ मुड़ती है, फिर अब इस तरफ जा रही हैं। इस तरफ दोस्तों कौन सी दिशा है? दक्षिण दिशा। इसमें बी ऑप्शन सही होगा, यानी कि आप समझे होंगे, नहीं तो देखिएगा इसका ये घर है, घर से इसमें दोस्तों पूर्व की दिशा की तरफ चल रही है, ये पश्चिम, ये उत्तर, और ये दोस्तों दक्षिण। पूर्व की ओर दोस्तों चलने के बाद ये दोस्तों बाईं तरफ मुड़ी, उत्तर दिशा में अब मुँह हो गया, फिर दोस्तों बाईं तरफ मुड़ी तो इसका मुँह हो गया पश्चिम दिशा में, फिर बाईं तरफ मुड़ी तो दोस्तों इसका मुंह हो गया दक्षिण दिशा में, यानी कि इसमें दोस्तों बी ऑप्शन सही है, यानी कि दोस्तों उसका मुंह है वो दक्षिण दिशा के अंदर है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, एक व्यक्ति दक्षिण की और 100 किमी चलता है, बाएं की तरफ मुड़कर दोस्तों 4 किलोमीटर चलता है, फिर बाएं की तरफ मुड़कर दोस्तों 5 किलोमीटर चलता है, तो उसका मुख दोस्तों किस दिशा के उत्तर अंतर्गत होता होगा दोस्तों? यानी कि एक व्यक्ति दोस्तों दक्षिण की ओर 100 किमी चलता है, फिर दोस्तों वो बाईं ओर मुड़ जाता है और दोस्तों 4 किमी चलता है, फिर दोस्तों बाईं ओर मुड़ जाता है और 5 किमी चलता है। ये व्यक्ति ये दोस्तों है दक्षिण पश्चिम की, और ये है पूर्व, ये है दोस्तों उत्तर, और ये हो गया दक्षिण। यानी कि व्यक्ति दक्षिण की तरफ चलता है, 100 किमी के बाद दोस्तों बाईं ओर मुड़ जाता है, फिर 4 किमी चलता है, ये 4 किमी चल गया, अब दोस्तों वापस इस तरफ 5 किमी चलेगा, तो दोस्तों अब उसका मुख किस दिशा में होगा? उत्तर दिशा में। यानी कि उस व्यक्ति दोस्तों उत्तर दिशा की तरफ चल रहा है, यानी कि इसमें दोस्तों डी ऑप्शन सही होगा। यानी कि यहाँ पर ध्यान रख लेना, ये दोस्तों व्यक्ति है जो दोस्तों दक्षिण दिशा की तरफ चल रहा है, यहाँ है उत्तर, यहाँ पूर्व, और यहाँ है दोस्तों पश्चिम। यहाँ पर दोस्तों इसके बाद यहाँ पर 6 किमी चलने के बाद बाईं ओर मुड़ता है 4 किमी, फिर वापस दोस्तों इस तरफ मुड़ जाता है 5 किमी, यानी कि दोस्तों इस तरफ इतना है उत्तर दिशा। इसमें दोस्तों डी ऑप्शन सही है। तो दोस्तों 20% हो चुके हैं पूरी। आज के वीडियो में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लगाएं बताएं, और दोस्तों वीडियो को कर दीजिएगा लाइक। आज के वीडियो में बस इतना ही, और साथ ही नेक्स्ट वीडियो को देखना ना भूलें, और दोस्तों वीडियो को अनलाइक न करें, आपको कोई परेशानी आती है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों लक्ष्य प्राप्ति कॉलेज को क्लासेस को दीजिए इजाजत।